आपको दोबारा से वेलकम स्टार्ट कैसे करेंगे, उनको कैसे आप लोग मोटिवेट करेंगे या इस चीज के बारे में? पूरे साउथ पंजाब में 10,000 नौजवानों को स्किल पर्सन बनाएं और जो हमारे मेंबर्स होंगे पहले हमारा प्लेटफॉर्म उनको ट्रेनिंग देगा अमेज़न पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम उन नौजवानों को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकें। हम उन नौजवानों को वर्डप्रेस, अमेज़न, दराज, शॉपिफाई जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम उन प्लेटफॉर्म पर उनको स्किल सिखाएंगे और उन्हें हम मार्केट में इन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा, आपके प्रोग्राम हमारे हीरोज में। नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान HD न्यूज़ में आज के जो हमारे मेहमान हैं उनको हमने दोबारा से दावत दी है अपने प्रोग्राम में। जी, हमारे साथ नईम कयूम हैं जो CEO हैं फ्यूचर टैलेंट हंट के। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल है? सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं? सब खैरियत। मैं आपको दोबारा से वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम में, आप दूसरी दफ़ा आए हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह से आपका काम बहुत अच्छा जा रहा है, स्पेशली आपने साउथ पंजाब में जो अपने काम को फैलाया हुआ है, जो नौजवान नस्ल के लिए आप खिदमात दे रहे हैं, आप वाकई पाकिस्तान के एक बेहतरीन हीरो हैं, तो आप डिज़र्व करते थे कि हम आपको दोबारा बुलाएं और इस पर डिस्कस करें। रिसेंटली आपने साउथ पंजाब में वॉलंटियर फोर्स अनाउंस की है, इसका क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, जिस तरह पहले हमने पिछले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस किया कि अमेज़न क्या है और ई कॉमर्स क्या है, बेसिकली इसी पर्पज़ को लिए हुए हम चाह रहे थे कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो मैसेज है वो मुल्तान से पूरे साउथ पंजाब में सिटी टू सिटी और बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जाए, क्योंकि मुल्तान के अंदर बेबहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेबहा ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, लेकिन साउथ पंजाब में जो बाकी सिटीज़ हैं, बाकी ज़िला हैं जहाँ पर छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, जहाँ से नौजवान यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज तरफ पढ़ने तो आते हैं लेकिन उन्हें ई कॉमर्स का नहीं पता, उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं दिए गए कि जहाँ पर हम जो है ना बाइज़त तरीके से हमें एक अवेयरनेस दी जाए, हमें एक ऐसा ट्रैक दिया कि हमें पता हो कि यहाँ से भी हम अर्न कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के इसी स्टेप को लिए हुए FT स्किल्स फ्यूचर टैलेंट हंट प्लेटफॉर्म हर सिटी में एक वॉलंटियर फोर्स बनाएगा, जहाँ पर हर सिटीज़ के अंदर अंदर हमारे 12-12 लोग जो है ना नौजवान उसको ज्वाइन कर सकेंगे और जो हमारे मेंबर्स होंगे पहले हमारा प्लेटफॉर्म उनको ट्रेनिंग देगा अमेज़न पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हम उन नौजवानों को प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकें। फिर हम उन नौजवानों वही नौजवान जो हैं वो अपने वसीब में अपने सिटीज़ में रहकर अपने जो मुस्तहिक नौजवान हैं जिनको लगता है कि भाई ना ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते और ये प्लेटफॉर्म सीखना, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो ये स्किल सीख सकते हैं, हम उन नौजवानों को वर्डप्रेस, अमेज़न, दराज, शॉपिफाई जितने भी प्लेटफॉर्म हैं हम उन प्लेटफॉर्म पे उनको स्किल सिखाएंगे और उन्हें हम मार्केट में इन करेंगे। अच्छा, मतलब माशाल्लाह से एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि हमारे मुल्क का जो बहुत बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके लिए आप बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों को उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए आप लोग उनको ये सारी स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि वो अपने लिए खुद अर्निंग कर सकें। स्पेशली साउथ पंजाब की अगर आप बात करें, देखें हमारा जो पंजाब का दूसरा हिस्सा है वहाँ पे एजुकेशन लेवल थोड़ा डिफरेंट है, तो वो लोग ये स्किल्स खुद ही उनके अंदर डेवलप होती हैं या बाकी शहरों में भी, लेकिन साउथ पंजाब में थोड़ी सी कमी है अवेयरनेस की। तो ये एक अच्छी बात है कि साउथ पंजाब जिसमें बहुत सारे पसमानदा इलाके भी आ जाते हैं उनमें नौजवानों को अवेयरनेस के हवाले से जो है ना आप लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए हुए हैं और उन नौजवानों को आप पाँव पे खड़ा करेंगे, तो आप लोग ये मुहिम स्टार्ट कैसे करेंगे, उनको कैसे आप लोग मोटिवेट करेंगे या इस चीज़ के बारे में ले आएंगे? साउथ पंजाब में बहुत सारे इलाके दही इलाके भी आ जाते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ऐसा है, पहले मैं ये बात ऐड करता चलूँ कि हम जिस तरह होता है ना कि हम अपर पंजाब में हमने कोई भी स्किल सीखनी है या हमने कोई डिग्री लेनी है तो हम जहाँ भी जाते हैं हमें आसानी हमें हर चीज़ मुहैया मिल जाती है, लेकिन अगर हम साउथ पंजाब की बात करें तो यहाँ पर हम जब निकलते हैं तो भावलपुर का नाम आता है, भावलपुर के अलावा या मुल्तान का नाम आता है, बाकी जितने सिटीज़ हैं इनके इर्द गिर्द साउथ पंजाब की यहाँ पर नाम तो मशहूर हैं लेकिन यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से नौजवान ई कॉमर्स की तरफ आ सकें और एक ऐसे स्किल्स सीख सकें कि जिससे आप घर बैठ के अर्न कर सकें। बिल्कुल, जिस तरह मेरे पिछले प्रोग्राम में आपसे डिस्कस हुआ कि हम किस किस तरीके से नौजवान अर्न कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या है और यहाँ पर कितनी इनकम हम अर्न कर सकते हैं और कितनी मेहनत कर सकते हैं और इसमें टाइम कितना लगता है। अच्छा, जहाँ तक रही बात इस फोर्स की, हमारा प्लान है कि हम जो हमारे बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर हम जो हमारे बच्चे उसमें हम क्वालिफिकेशन हमने ऐड की हुई है। अच्छा, कि जो बच्चा इंटर होना ज़रूरी है, जो बच्चा इंटर पास है एटलीस्ट इंटर होना चाहिए। एग्जैक्टली,
जो बच्चा इंटर पास है वो बच्चा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है, वो इस मेंबर का हिस्सा बन सकता है। उसमें क्या होगा कि जब वो बच्चा हमारे एक तो एक वो क्वालिफाइड होगा, उस बच्चे को पता होगा कि है ना मेरी क्वालिफिकेशन भी है, ये मेरी स्किल मेरी मैच भी करती है, तो हम वो जब बच्चा वो हमारा मेंबर बन जाएगा, बिल्कुल उस बच्चे को हम जब ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप पहले खुद स्किल सीखें, खुद स्किल सीखने के बाद आप अपने 5 लोगों को, अपने वसेब के 5 लोगों को आप अपने स्किल पर्सन बनाएं। अच्छा, उसके अलावा हमारा प्लान है कि हम अपने साउथ पंजाब में 2022 ये अब आपके सामने आ रहा है, तो हमारा प्लान है कि हम अपने पूरे साउथ पंजाब में 10,000 नौजवानों को स्किल पर्सन बनाएं, जो मुस्तहिक नौजवान हैं, उसमें बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। तो उसका पर्पज़ यही है कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर, एक तो हमारा जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान में टॉप 1 पे जाएगा। अच्छा, हम कैंपेन चला रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने भी फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हम सब मिलके अपने इंडिविजुअली नौजवानों को हम फ्रीलांसर बनाएं, उनको मार्केट में तैयार करें ताकि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में टॉप 1 पे जाए। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस की वजह से हम जानते हैं कि एक तो जॉब नहीं है मार्केट में, बिल्कुल बेरोजगारी की इतनी इंतहा है कि हम अच्छे अच्छे वेल नोन PhD स्कॉलर्स मार्केट में आपको पता सीवीज लेके फिर, तो हम उन लोगों को ई कॉमर्स की तरफ क्यों ना लेके आए, हम उन लोगों को बताएं कि आप स्मार्ट वर्क में एक छोटी स्किल सीखें और उन्हें आप मार्केट में आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इस बिहाव पे हम निकले हैं कि हम अपने बच्चों को, हम अपने साउथ पंजाब में अपने सीनियर्स टीचर्स कम्युनिटी को भी हम टारगेट करें, बिजनेस मैन कम्युनिटी को भी टारगेट करें, हम अपने यंगस्टर्स को भी टारगेट करें कि उनको लोगों को हम ई कॉमर्स की तरफ लाया जा सके, उन लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि ताकि आप लोग इस स्किल को सीखने के बाद इज्जत तरीके से आप अर्न कर सकते हैं, साथ में स्टडी भी कर सकते हैं और साथ में आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस जो आपके अबाव इजाद से चलता आ रहा है आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस बिहाब पे इंशाल्लाह ये वॉलंटियर फोर्स पूरे साउथ पंजाब में काम करेगी और आपके इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई नौजवान ज्वाइन करना चाहता है, इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है, इस फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो हमारे इस पर हमारे FTA स्किल्स जो हमारा ऑफिशियल पेज है वहाँ पर आप उनके पेज पे जाके वहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल करें और आप हमारी जो टीम होगी वो आपसे रब्ते में रहेगी। जिस सिटी के भी हैं आप, जिस ज़िला से भी हैं, अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें ताकि आप इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकें और इस प्लेटफॉर्म से आप फ़ायदा ले सकें। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि अगर हम किसी को ट्रेन करेंगे जी, स्किलफुल करेंगे, तो आगे वो 5 लोगों को जो है ना ट्रेन करें? देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो प्लेटफॉर्म जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें जो हमारा फर्स्ट बैच था तो उसमें जब हमारे बाकी ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे रहे थे तो मैंने उन्हें कहा था कि यार हम जितने पेड बच्चे हैं उसमें हमारे 5-5 कोटे होते हैं, हम लोगों को ट्रेन करके मार्केट पे तो उतार रहे हैं, वो वहाँ बैठ के मार्केट में बैठ के इंडिविजुअली लाखों रुपए तो कमा रहे हैं, हमारा मैसेज डिलीवर कैसे होगा? हम मतलब के इतने मकसद जो है मकसद कैसे कंप्लीट करें, हम इतने शॉर्ट टाइम में हम पूरे साउथ पंजाब को कवर कैसे कर कैसे कवर कर सकते? फिर हमने प्लान किया जिसमें हमने अपनी पहले ही बैच पे इंप्लीमेंट किया, हमने कहा कि बच्चों देखें हमने आप लोगों को स्किल पर्सन बना दिया, मार्केट में उतारने की आपको अवेयरनेस भी दी थी, आप मार्केट में उतर भी रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी पकड़ रहे हैं, हमसे आप प्रॉमिस करें कि आप आगे 5-5 बच्चों को स्किल पर्सन बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाना, छठा आएगा आप उसे पैसे लें, आप अपनी जो स्किल सिखा रही हैं आप उसे अर्न करें। देखिए जी, मकसद माशाल्लाह से इनका ये है कि नौजवान नस्ल अपने पांव पे खड़े हो जाए, स्किलफुल हो जाए, डिपेंड ना करे किसी पे, इंडिपेंडेंट अर्निंग करे और खुददारी आए उसमें और वो मुल्क और कौम के लिए बहुत ही तरक्की और कामयाबी का बायस बने। जी बिल्कुल, तो ये मकसद इसी तरह ही पूरा होगा कि जो भी आपसे स्किल्स ले, जाहिर सी बात है आप ये कहते हैं कि आपकी टीम इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है कि तमाम ही लोगों को बच्चों को हम अफोर्ड कर सके, या हम सारे ही जितने हमारे जो बैकवर्ड एरियाज में, आप ये कहते हैं जितने लोग आपसे सीख के जाए वो आगे और लोग आगे से आगे उस स्किल को डिलीवर करें, अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो हमारे सीने के अंदर जो हमारे अल्लाह पाक ने हमें जो हुनर दिया है, जो हमें नॉलेज दिया है, हम लोगों को डिलीवर करना चाहते हो, हमारे अंदर जो है ना एक दूसरे का एहसास होता कि हम और लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है फ्यूचर टैलेंट हंट, इसका मकसद मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ मजीद आप एक्सप्लेन कर दें और इसमें कौन से लोग फ्यूचर टैलेंट हंट जो आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया है इसमें कौन से लोग आपके साथ एफिलिएट हो सकते हैं? इसमें हमारे जो 4 साल से जो हम काम कर रहे हैं इसमें हमारी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, उसमें हमारे पास स्पोर्ट्स के क्लब हैं 4 जिसमें हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट और उसके अलावा हमारे ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी होती है जहाँ पर बच्चे जो है ना बॉक्सिंग भी करते हैं, शतकबान को जिसे कराटे कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने हॉकी और फुटबॉल का नाम लिया जी, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुटबॉल चल रहा है, बिल्कुल ऐसी है, और हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, आप यकीन करें कि अभी नामो निशान नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं है, ये आपने बहुत अच्छा किया। मुल्तान के अंदर ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, ये एक ऐसा वाहिद क्लब होगा जहाँ पर हर तरह के अमीर गरीब बच्चे यहाँ के
जो है ना अपना हॉकी माशाल्लाह इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें हर तरह की सहूलत मौजूद होगी। टैलेंट होना बहुत जरूरी है। बेसिकली बेस पॉइंट हमारा ये है कि हमने टैलेंट हंट करना है, हमने टैलेंट को शिकार करना है और उसको हमने मार्केट में लेके आना है, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमारा जो साउथ पंजाब है, हमारा जो पाकिस्तान है, वो किसी किसी से कम नहीं है। यहाँ पर हर तरह के टैलेंटेड नौजवान हैं कि जो अपने आप में है। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें स्पोर्ट्स का हमने आपको बताया, इसमें नौजवान शामिल हो सकते हैं, ई कॉमर्स के अंदर बिजनेसमैन कम्युनिटी जो इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा भी बिजनेस ई कॉमर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैले, इसमें वो लोग ऐड हो सकते हैं। इसमें टीचर कम्युनिटी ऐड हो सकती है कि जो हमारे बच्चों को स्पीकर बना सकती हैं। इसमें हमारे नाथ कम्पिटिशन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्केच, हम पेंटिंग पे काम कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को, जो बच्चियाँ फीमेल इसमें ज़्यादातर होती हैं कि जो पार्टिसिपेंट कर रही होती हैं, कि जिसमें हम देख रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा लिखती हैं, अच्छा इतना आर्ट बनाती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, हम उस पर काम कर रहे हैं। और ई कॉमर्स में आपको बताया कि हर तरह के प्लेटफॉर्म जिसमें यंगस्टर्स और बिजनेसमैन कम्युनिटी, हर तरह के लोग इसमें, ये तमाम बच्चे आपको सुन भी रहे हैं तो ये तमाम बच्चे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी जहाँ टैलेंट उनके अंदर हो। इसमें एज की लिमिट नहीं है किसी किस्म की कि आप, मैं नौजवान नहीं हूँ तो उसका मतलब मेरा नहीं है। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो उसमें सरपरस्ती भी कर रहे हैं, वो आपके बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं। अच्छा, मुझे अब आपको थोड़ा थोड़ा जो है ना मकसद समझ आया है। फ्यूचर टैलेंट हंट का एक्चुअल मकसद ये है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें, उनको हम और ज्यादा रिफाइन करके उनको उन्हीं से, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो आपके अंदर स्किल्स हैं, उन्हीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट करवाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ही नेक मकसद है आपका। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप काम करते रहें, अपने मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें, अल्लाह ताला आपको और तरक्की और कामयाबी दे। थैंक यू सो मच नईम कयूम, आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ पहले भी आए थे, अभी आप हमारे साथ आए हैं, और अल्लाह ताला मजीद आपको तरक्की दे। इस वक्त आपसे चाहते हैं इजाज़त। नाज़रीन, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।